सबसे बड़ी खबर, यूपी पुलिस का एग्जाम होगा जनवरी के महीने में। साफ साफ बोर्ड की तरफ से ये आदेश आ चुका है। आज के अमर उजाला न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट छपी है। पूरी रिपोर्ट है क्या वो मैं आज आपको बताता हूँ। यूपी पुलिस यानी कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है वो बोर्ड ने साफ साफ अपने निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि सिपाही भर्ती 2018 में जो होगी, आवेदन प्रक्रिया भले ही एक दो दिन लेट हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होगा वो जनवरी के महीने में ही कराया जाएगा। बोर्ड ने एकदम साफ साफ कह दिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि सिपाहियों के 51,000 पदों के लिए पूर्व में तय की गई थी तिथि और उसी तिथि पर ये एग्जाम कराने की सोच रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि पंजीकरण करने में एक दो दिन का टाइम भले ही लेट लग सकता है, लेकिन ये इस भर्ती का जो एग्जाम होगा वो जनवरी के महीने में ही किया जाएगा। काफी मंथन के बाद जनवरी का दूसरा सप्ताह पुलिस से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया था। ऐसे में अगर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है तो बोर्ड फिर से पूरी मशक्कत करनी होगी। इसीलिए बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि भले ही आवेदन प्रक्रिया को 2-4 दिन लेट कर दिया जाए, लेकिन परीक्षा के लिए तय की गई तिथि से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू कर दी जाएगी। देख सकते हैं भर्ती बोर्ड का साफ साफ यहां पर जवाब आ चुका है कि ये जो भर्ती यानी कि जो नेक्स्ट निकलने वाली यूपी पुलिस के अंदर 51,000 वाली, वो उसका पेपर जनवरी के अंदर ही रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि आपको पढ़ाई कितनी करनी है। आपके पास बिल्कुल 1.5 महीने का वक्त है और उस 1.5 महीने के अंदर आपको जो आपने पेपर में फेल हुए हैं, जो नहीं एग्जाम को क्रैक कर पाए थे, उनको दोबारा से मौका मिल चुका है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, ये आज की अपडेट न्यूज है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।